छेवां इंडिया ते पाकिस्तान T20 क्रिकेट फ्रेंडशिप कप सरी दे बैल सेंटर विखे 16 अगस्त नूं खेडिया गया। इस साल दा एह दोस्ताना कप क्रिकेटर गगन सिद्धू दी याद नूं समर्पित सी। गगन सिद्धू पिछले दिनी एब्सफोर्ड दे एक सड़क हादसे दा शिकार हो गया सी। मैच शुरू होण तों पहलां इंडिया ते पाकिस्तान दीआं टीमां ने एक मिनट दा मौन धार के गगन सिद्धू नूं श्रद्धांजलि अर्पित कीती। अपने 6-7 साल पहला ही वीकडे T20 शुरू होया सीगा ते उहदे विच वीकडे T20 दे विच बाद विच इह इंडिया ते पाकिस्तान दी गेम एक फ्रेंडशिप तौर दे उत्ते शुरू कीती सीगी। अज्ज 7वां साल इहनूं हो गया, 6 साल पहला इह 6 गेमां हो चुकियां, 7वीं एनुअल गेम हो रही है इह ते बहुत ही वधिया चल रही है, काफ़ी इंट्रस्टिंग है। इंडिया ने टॉस जित के जिवें तुसीं देखिया कि बैटिंग शुरू की हुई है ते मैनूं लगदा 5-6 ओवरां दे विच 50 रन दे करीब हो चुके ने। इस सीरीज़ दे विच सो फार पाकिस्तान जिहड़ी टीम आ डोमिनेट रही आ। मेरे ख्याल दे विच जिन्ने 6 टूरनामेंट होए ने उन्होंने 4 बार पाकिस्तान ने जितया ते 2 बार इंडिया ने जितया है ते पर ओवरऑल बहुत वधिया गेमां होंदियां ने, बड़ियां फासवियां गेमां होंदियां ने, दोनों पासियां तों बड़े चोटी दे प्लेयर होंदे ने ते देखण वालिआं नूं वी मज़ा आउंदा आ, खेडण वालिआं नूं वी मज़ा आउंदा, बहुत वधिया जी। इंडिया दी टीम ने टॉस जीती अते पहलां बैटिंग करन दा फैसला कीता। पाकिस्तान ने जबरदस्त गेंदबाजी का मुजहरा करदिया इंडिया टीम दीआं विकटां उखाड़नियां शुरू कर दित्तियां। पाकिस्तान दे गेंदबाज हुसैन दाऊद अते सुलेमान खान ने अपने पहले ओवरां विच ही इंडिया टीम दीआं विकटां चटका दित्तियां। प्लेयर जी ये अपने जिहड़े सारे प्लेयर ने इस मैच दे विच खेडदे ने, साडियां जिद्दां स्पैशल इवेंटां हुंदियां ने इत्थे, थोड़ा चिर पहलां ही मीरी पीरी क्रिकेट टूरनामेंट जिहड़ा कि BC टाइगर स्पोर्ट्स क्लब दे सहयोग दे नाल BCMCL वल्लों कीता गया सीगा, बहुत ही सक्सैसफुल टूरनामेंट रहा ते उन टूरनामेंटां दे विच देखिया जांदा कि किहड़े प्लेयर परफॉर्म करदे ने, फिर उन्हां प्लेयरां दे विचों ही चुण के जिहड़े 11-11 प्लेयर ने उह इंडिया ते पाकिस्तान दे वास्ते चुणे जांदे ने। कोशिश साडी इह आ कि होरां वी कम्यूनिटीआं नूं आपां विच इकट्ठे करिए, जिवें श्रीलंका दी काफ़ी कम्यूनिटी हैगी है इतने, उन्होंने भी प्लेयर चंगे है, साड़ी बंगलादेश की कम्यूनिटी हैगी है जिहड़े कि इतने यूनाइटेड की टीम वालों प्लेयर खेड के गए हैं, होर भी टीमों वालों खेड रहे थे तो काफ़ी प्लेयर उधर भी वधिया है। गांह तो गांह कोशिश यही होगी कि इस टूरनामेंट को इंटरनेशनल तौर के उत्ते एक वड्डे पद्धर से लिजाया जाए कि ना यदा भावें इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप कप ही रखा जाए पर इन्हों होर भी टीम ऐड की जा सकन, जिवें श्रीलंका हो गई या अपने इस साल सानू थोड़ा सहयोग मिले, जिवें स्पैशल इवेंट के सिक्स साइड एक इवेंट होंगी है साड़ी जी कि धुआंधार इवेंट होंगी है जिद सिक्स स्पोर्ट्स उही थानू देखने को मिलते हैं तो उहदे विच मैडलोमा क्रिकेट क्लब ने 2 साल बाद पार्टीसपेट किया तो उत्ते विच काफ़ी आस्ट्रेलिया तो प्लेयर आए हुए हैं, काफ़ी प्लेयर सिर्फ क्रिकेट खेडन आते हैं तो कोशिश रहेगी अगे तो गांह तो कि उन्होंने भी इतने शामिल कर सके कि अं थोड़ा जि कल्चर करके ना कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित रहे, असी होरां नूं भी विच लैके आ सके। जिहड़ी क्रिकेट ग्रो हो रही है मैनूं लगता कि जिहड़े असी फॉरनर कंट्रीआं तों इत्थे आ के मूव हो रहे हैं तो काफ़ी चंगे चंगे प्लेयर आ, जिदा कि अज भी इंडिया की टीम वालों मुंडा हरमनदीप खेड रहा, रवि वो इंडिया तो आया हुआ वो खेड रहा है तो एक असी मिस कर गए सानू पता नहीं सी बिपल शर्मा वो आए हुए हैं इंडिया तो IPL खेडे हुए हैं, वो अज टीम दे विच नहीं खेड रहे पर वो इत्थे वो भी प्रेजेंस ने, वो भी इत्थे देख रहे हैं गेम तो इदा काफ़ी जिहड़े लोग श्रीलंका तो भी पाकिस्तान तो भी जिहड़े मर्ज हो गए इत्थे आ रही ने जिहड़े अपनी फैमिलियां कम्यूनिटी दे विच उन्हां दे विच बहुत ही चंगे चंगे बेहतरीन प्लेयर आ रहे हैं तो उहदे करके काफ़ी सानू क्रिकेट नूं फायदा हो रहा है तो गांह तो गांह क्रिकेट बहुत ही ग्रो हो रही है तो लगता कि स्पैशली सरी दी सिटी दे विच जिहड़ी क्रिकेट इज़ नंबर 1 ऑन द ग्रोथ फॉर स्पोर्ट्स तो बहुत ही साढ़े लिए माण वाली गल है तो होपफुली यू नो जिनी चलो ये ग्रोथ हो रही है उस नाल असी भी इनू कीप अप विद इट एंड कीप प्रोवाइडिंग बेस्ट क्रिकेट। हजे भी साड़ी जी बिगेस्ट प्रॉब्लम जी है हजे भी हैगी है कि क्रिकेट एकदम इतने आके इन्नी ग्रो हुई कि मैनू लगता सरी सिटी भी नहीं एक्सपैक्ट कर रही थी इन्ना, असी भी नहीं एक्सपैक्ट कर रहे, मैनू लगता होल BC वॉज नॉट एक्सपैक्टिंग दैट वे पर काफ़ी फैमिलियां आने के नाल काफ़ी मर्जर आने के नाल इतने बहुत ही प्लेयर हो गए हैं जिहड़े क्रिकेट खेलना मंगते हैं पर साडे कोल इट्स अनफॉर्चुनेट कि वी डोंट हैव इनफ ग्राउंड वी डोंट एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट पर कोई कोचिंग का हाले वाला वधिया हीला है नहीं साडे कोल ते सानू यही है कि थोड़ी अकैडमियां खोलन की लोड़ है, होर क्रिकेट ग्राउंडां की लोड़ है जिहदे नाल कि असी होर भी क्रिकेट दे विच जिद्दां हुण कई वारी कई टीमों टाइम ही नहीं मिल रहा, सरी दे विच साडे कोल 5 क ग्राउंडां ने ते टोटल 12-13 क्लब ने इत्थे ते उहनां दे हरेक क्लब दे विच 3-3-4-4 टीमां ने ते उत्थे विच काफ़ी जद्दोजहद हुंदी रहिंदी है कि वी वांट टू प्ले हियर पर हरेक नूं ग्राउंड नहीं मिल रही ते सिटी भी वैसे काफ़ी कोशिश कर रही है, आर आर वांट टू पुट देम डाउन, आई थिंक दे वर्किंग हार्ड टू कीप इट अप विद एवरीथिंग, उहनां लई भी एक सरप्राइज सीगा थोड़ा जिहा ते हौली हौली मैनूं लगता कि असीं सही रास्ते जा रहे हैं। दो ग्राउंडां जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि पहलां न्यूटन दे विच आईआं हुण एक होर ग्राउंड बन रही है ते गांह भी मैनूं लगता सरी विल कीप लुकिंग इन टू इट। स्पोंसर जिद्दां कि स्पोंसर तुहानूं आप नहीं आउंदे, तुहानूं लभणे पैंदे ने ते उही चीज़ साडी थोड़ी जी हैगी है कि साडी थोड़ी बदकिस्मती है कि जिद्दां कई स्पोर्ट्स आ मैं देखदा कि सॉकर दी मैं देखदा कि सो मैनी वॉलंटियर्स, मैं BC टाइगर दे विच इत्थे हुण उहनां दे नाल एक रल के टूरनामेंट कराया एंड आई वाज अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज
by how many people were working together, working hard. ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ BCMCL ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਹੋਈਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ BCMCL ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਰਲ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਓਵਰਆਲ BCMCL ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਹਾਲੇ ਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ।